नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूरी कुजीन के बारे में। स्पेशली हम लोग तंदूरी शेफ या तंदूरी कुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि इस फील्ड में और कितना स्कोप है, और सबसे बड़ी बात, हम लोग कैरियर चूज़ करते हैं, हम लोग इंडियन शेफ़ बनना चाहते हैं, हम लोग चाइनीज़ शेफ़ बनना चाहते हैं, हम कॉन्टिनेंटल में जाना चाहते हैं। और जब बेसिकली हम लोग इंडियन की बात करते हैं तो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, करी सेक्शन या तंदूर सेक्शन। तो क्या जो तंदूर सेक्शन वाले या जो भी बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं तंदूर वाले एरिया में जाऊं, तो क्या वो कभी इस इंडस्ट्री के पीकेस्ट पॉइंट पे या फिर वो कभी एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इन तीनों चीज़ों पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं तीन क्राइटेरियाज़ ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या कोर्स करना पड़ता है अगर हम स्पेशली तंदूर में ही जाना चाहते हैं। दूसरा, लिखा पढ़ा है मैंने वहाँ पर, मैं वहाँ से देख के पढ़ रहा हूँ। दूसरा, जॉब की इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या अगर मैं बोलूं कि मुझे चूज़ करना है कि भाई मुझे विदेश जाना है, शिप में जाना है, तो क्या इस सेक्शन में रह के मैं चीज़ें कर सकता हूं। और तीसरा यहां पे है कि अगर मुझे फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो मैं किन चीज़ों को ध्यान में रखूंगा। चलिए, हम लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, या हम लोग कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे होते हैं, तो हम सब के सब यही सोचने लग जाते हैं कि भाई इंडियन में जाऊँ या कॉन्टी में जाऊँ। और जब हम एक बार चूज़ कर लेते हैं इंडियन कॉन्टी, तो जो नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है, खासकर इंडियन के लिए हो जाता है यहाँ पे, ये कि भाई मैं तंदूर में जाऊँ या करी में जाऊँ, क्योंकि ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाता है। और मेरी मानिए, मैंने आज तक कोई भी एक ऐसा शेफ़ नहीं देखा है जो कि एक तंदूर सेक्शन को ही पसंद करके वो इस इंडस्ट्री के बड़े ही एक मुकाम पे पहुंच गया हो या एक बड़ा एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गया हो। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि मैंने शेफ़ देखा, मेरा शेफ़ तंदूरी शेफ़ था जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गया। तो हो सकता है किसी को छोटे से रेस्टोरेंट का हो, किसी छोटे से ढाबे का हो, अगर हम लोग बात करते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स की, बड़े नामचीन रेस्टोरेंट्स की, होटल्स, तो कोई भी एक तंदूर वाला शेफ कभी भी आज तक एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बना है। ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। अगर आप तंदूर सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको कोई भी स्पेशल, पहले पॉइंट पे मैं आ गया हूँ कि क्या कोर्स करना चाहिए, तो पहले आपको कोई ऐसा स्पेशल स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता है। आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, या फिर आपकी जो डिग्री हो गई वो कर सकते हैं। आपका जो डिप्लोमा है एक साल का भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं आपका डेढ़ साल दो साल का भी हो सकता है, या डिग्री होगी तो तीन या चार साल की हो सकती है। तो आप तंदूर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। दूसरा, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, और आपको अगर जैसे मैं शिप की बात करूँ, तो शिप में आप लोगों को जॉब नहीं मिल जाएगी, नहीं मिलती है। शिप में कोई भी ऐसे सेक्शंस नहीं होते हैं। हो सकता है कि जो शिप वगैरह, क्रूजेज वगैरह इंडिया में चलते हो, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पर हायर इतनी ज़्यादा वहाँ पे सैलरीज आपको नहीं मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप करी में हैं या तंदूर में हैं, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, तो करी और तंदूर को सेम ही प्रेफरेंस मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं तंदूर में काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। विदेश की अगर हम लोग बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि मैं सिर्फ तंदूर में जाके वहाँ पे काम कर पाऊँगा, नहीं। इवन जब आप एम्बेसीज़ में जाते हैं, या आपके जो ट्रायल्स होते हैं आपके जो कि आप जर्मनी जाने के लिए देते हैं या बाकी और कंट्रीज़ में जाने के लिए देते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए तंदूर का वहाँ पे आप लोगों को आपका ट्रायल नहीं लेता है, वो करी का भी आपका ट्रायल लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कुजीन है। पर इंडिया में रह के हम लोग अपने आप को एक क्षेत्र में बांट लेते हैं, भाई मैं तंदूर का काम करूँगा या फिर मैं करी का ही काम करूँगा। होटल्स के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई मैं तंदूर पे रोटी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं करी वाला बंदा हूँ, और मैं करी पे काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं तंदूर वाला बंदा हूँ। मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें होते देखी हैं। पर यहाँ पे जो मेरा थर्ड पॉइंट आ जाता है, ग्रोथ की बात, अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, कैरियर में ग्रोथ करना चाहते हो, तो स्पेसिफिकली आप एक कुजीन को चूज़ कीजिएगा। जब तक आप कौमी लेवल पे हैं, कौमी वन तक हैं, पर उसके बाद अपने आप को ये बोलना ही छोड़ दीजिएगा कि मैं करी में ही काम करता हूँ, मैं तंदूर में काम करता हूँ। उस समय आप लोगों का माइंडसेट रहना चाहिए कि भाई मैं सारे सेक्शन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं पूरे डिपार्टमेंट को देख सकता हूँ, चाहे वो करी हो चाहे वो तंदूर हो। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, लगभग 15 साल प्लस का मेरे पास एक्सपीरियंस है कि भाई मैंने कोई सिर्फ एक तंदूर वाला शेफ़ मैंने नहीं देखा। इंडियन वाले शेफ़ तो तब भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाते हैं, पर तंदूर वाला शेफ़ कोई भी नहीं बनता है एक बड़े लेवल पे एग्जीक्यूटिव शेफ़। तो जो भी तंदूर वाले देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है भाइयों, पर एक्चुअली में सही है। आपको ग्रोथ माइंडसेट से सोचना है कि भाई हम इस चीज़ में कैसे ग्रोथ कर सकें, और ग्रोथ करने का यही फंडा है, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है,
आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट में रह के डिपार्टमेंट के सभी सेक्शंस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, चाहे करी हो, क्योंकि क्योंकि कोई भी 60 साल तक तंदूर के ऊपर रोटियां नहीं लगा सकता है। आप 60 साल तक तंदूर पर रोटियां नहीं लगाओगे, आपको कहीं ना कहीं रुक के ठहर के वो काम करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक तरीके से गुजारिश बोल दीजिए या एडवाइस बोल दीजिए, और स्पेशली जो यंग बच्चे आते हैं, अपने आप को तंदूर या करी में आप सीमित रखना चाहते रखिए, पर सब चीज़ की नॉलेज रखिए, और जब आप कौमी वन वाला लेवल पार कर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको दोनों चीज़ों के बारे में मालूम हो और आप किसी एक चीज़ को हैंडल कर पाओ, एक कंपनी के, एक रेस्टोरेंट के, एक होटल के आप लोग एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाओ, जस्ट एक जगह सीमित ना रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी मेरे तंदूरियाँ भाई हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ को समझेंगे और अपने आप को सिर्फ तंदूर वाला या करी वाला ना बोलकर एक ग्लोबली अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे और अपनी ग्रोथ के लिए काम करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।